नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी में आज भाजपा संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कामों को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे उन पर सरकार लगातार काम कर रही है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में काम करके युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अनैतिक काम और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो संकल्प लिया था उसके लिए भाजपा सरकार तेजी से कार्यवाही कर रही है। भाजपा ने जो कहा था वो कर रही है और इसका असर हरिद्वार पंचायत चुनाव में दिखा है। चुनाव में मिली जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता भाजपा सरकार के काम से खुश है। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए एक नजर डाल लेते हैं। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहाँ एक ओर धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही साथ तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।